आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। दिल्ली में बाड़ा हिंदू राव थाना पुलिस व कोतवाली एसडीएम की टीम ने 879 किलोग्राम अवैध पटाखे पकड़े। दिल्ली पुलिस ने 3 नवंबर 2021 को मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया कि दिल्ली पुलिस की बाड़ा हिंदू राव पुलिस को सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली थी कि सदर बाजार एरिया की तरफ एक बिल्डिंग सेकेंड फ्लोर पर बड़ी मात्रा में अवैध पटाखे स्टोर किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने टीम का गठन किया और साथ में एसडीएम कोतवाली ने वहां पर रेड की तो बड़ी मात्रा में अवैध पटाखे वहां पर मिले। आरोपी मोहम्मद एजाज है, जिसकी उम्र 33 साल है। उसके कैमरे से 38 प्लास्टिक के बोरे मिले, जिनमें ये पटाखे स्टोर किए गए थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मुख्य रूप से बिहार का रहने वाला है और 2007 में दिल्ली आया था। शुरुआत में वह लेबर का काम करता था, तो उसके बाद वह खिलौने बेचने लगा। वह एक दूसरे शख्स के संपर्क में आया जो पटाखे बेचता था। उसके बाद इसने ये पटाखे हरियाणा के हिसार के रहने वाले एक शख्स से खरीदे। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।